हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम प्रिपरेशन में। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं कल दिन भर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिससे आने वाली सभी सरकारी परीक्षाओं में सवाल बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में अपने वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप WFIRST का नाम बदल दिया है? आपके पास ऑप्शन है स्पेसएक्स, नासा, रॉस कॉस्मॉस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है नासा। नासा ने जो है अपने वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदल दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। VAMS ग्लोबल का पहला संपर्क रहित आगंतुक प्रबंधन सॉफ्टवेयर लेके आया है। VAMS ग्लोबल किस शहर में स्थित है? रायपुर, कलकत्ता, मुंबई या दिल्ली? तो दोस्तों, VAMS का जो मुख्यालय है वो है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के CM हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कंपनी ने एम्स्टर्डम स्थित इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी एट्रगो का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन है पहला रैपिडो, दूसरा ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, तीसरा ओबर टेक्नोलॉजी या चौथा रेड बस। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ओला। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने एट्रगो का अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में से किसने COVID-19 से प्रभावित बच्चों की मदद के लिए नीति आयोग और सेव द चिल्ड्रन गैर सरकारी संगठन के सहयोग की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है मेगा ब्रांड, प्ले मोबिल, द लेगो ग्रुप या फिशर प्राइस। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है द लेगो ग्रुप। लेगो ग्रुप ने सेव द चिल्ड्रन गैर सरकारी संगठन के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सोशल मीडिया वेबसाइट ने कैचअप नामक कॉलिंग ऐप लॉन्च किया है? फेसबुक, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट या स्नैपचैट? तो दोस्तों, कैचअप नामक ऐप जो है, कॉलिंग ऐप जो है, वो फेसबुक ने लॉन्च करी है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेरिया सामी कुमारन को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस या सिंगापुर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है सिंगापुर। सिंगापुर में पेरिया सामी कुमारन को नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस IIT ने COVID-19 से लड़ने के लिए सांस लेने योग्य और एक हल्के वजन वाला PPE किट विकसित किया है? IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली या IIT खड़गपुर? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने जो है हल्के वजन वाला PPE किट विकसित किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा राज्य जल्द ही अपने सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डेटाबेस बनाने के लिए एक परियोजना शुरू करने वाला है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा बिहार या केरल या उड़ीसा। तो दोस्तों, डेटाबेस बनाने के लिए जो परियोजना शुरू कर रहा है वो राज्य है आपका कर्नाटक। कर्नाटक में ही ऐसी परियोजना शुरू करने जा रहा है कि जिससे राज्य के सभी नागरिकों का डेटाबेस कलेक्ट किया जाएगा। कर्नाटक के CM आपके हैं BS येदुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वेजू भाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर शानमुगम का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थी? बास्केटबॉल, फुटबॉल, पोलो या गोल्फ? तो दोस्तों, ये जो आर शानमुगम थी, ये
फुटबॉल से संबंधित थी। ये फुटबॉल प्लेयर थी और ये जो है फुटबॉल की कोच भी रह चुकी हैं, तमिलनाडु से की टीम से ये खेलती थी और वहीं की ये कोच भी रह चुकी हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने काफ़ी बेहतर गुणों के साथ एक मैग्नीशियम मिश्र धातु विकसित की है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी मद्रास? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के छात्रों ने मैग्नीशियम मिश्र धातु विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल पेमेंट ऑफ इंडिया NPCI के डिजिटल पेमेंट के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए लॉन्च किए गए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैट बोट का क्या नाम है? पाई, मानव, दिशा या दक्ष? तो दोस्तों इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित रोबोट चैटबॉट का नाम होता है पाई। पाई इसका नाम है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान बच्चों के मनोरंजन के लिए द एको बग नामक एक नई कहानी की घोषणा किसने की? आपका ऑप्शन है एडम डेल, स्टीफन किंग, जेके राउलिंग या अरुंधति राय। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जेके रॉलिंग ने। जेके रॉलिंग ने एको बग नामक एक नई कहानी की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुश्तबा हुसैन का हैदराबाद में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2003, 2005, 2007 या 2009? तो दोस्तों मुज्तबा हुसैन को 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और ये एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मुज्तबा हुसैन किस पेशे थे या किस फील्ड से थे। उन तो ये एक उर्दू उर्दू राइटर थे ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 2020 की थीम क्या है? कुछ करने का समय है, विश्वमारी में महामारी, आइए मासिक धर्म की झिझक समाप्त करें। मासिक धर्म हर जगह हर किसी के लिए मायने रखता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सेकंड ऑप्शन, विश्वमारी में महामारी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। धन्यवाद।